भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव के बाईपास स्थित महाकाल ढाबा में पार्टनरशिप को लेकर हुए विवाद में दो भाइयों की गोली मारकर हत्या किए जाने के खिलाफ आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। मृतक के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने दोनों शवों को न्यू बाईपास के किशनपुर मोड़ के पास रखकर सड़क पर आगजनी कर यातायात को घंटों बाधित कर दिया। हत्या में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग वे लोग कर रहे थे। वहीं ग्रामीणों और परिजनों के द्वारा बाईपास को जाम किए जाने की सूचना मिलते ही सिटी एएसपी पूरन झा दल बल के साथ जाम स्थल पर पहुंचे और सभी लोगों को समझा बुझाकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही। साथ ही देर रात एक हत्यारे की गिरफ्तारी की बात बताकर लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। हम आपको बता दें कि महाकाल ढाबा को लेकर हुए विवाद में गांव के ही विक्रम यादव और उसके सहयोगियों ने शहादुर यादव के दो पुत्रों गोविंद यादव और उसके छोटे भाई राजकुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अरे पहले वो बगीचा में बम कांड में भी यही सब मेरे पास जो है धावा पर जो है मेरा दोनों लड़का जो है पंचायती उनचेती करके जो है दोनों को बुलाया, फैसला उसला कर लिया, पैसा कौड़ी भी लेन देन सब कर लिया यहीं पर। कितना लिया? 1.5 लाख रुपया। बोला कि जाओ अब जो है तुम दुकान पर जो है अपना रहो, दुकान से जो भी सामान है वो अपना जो है खाली करके अपना अंडर में ले लिया। उसके बाद जो है दोनों भाई जो है आराम से जो है थोड़ा लेट गया। बोला फिर जो है हम पानी पुनी लाएंगे बाद में, बाद में लाएंगे पानी उनी। उसके बाद घटना क्या फिर घटना में जो है आ गया उधर से जो है आया चारों पांचों छोबो जितना लड़का सब था बस फटाफट गोली मारना शुरू कर दिया चारों बगल से। कितना जी कल भागलपुर में यहाँ मधुसूदनपुर में दो लोगों की हत्या हुई थी, उसी संबंध में उनके परिजनों ने हाईवे को जाम किया था, लेकिन अभी सब कुछ क्लियर करा गया, ट्रैफिक सामान्य चालू करवाया जा चुका। नौगछिया के बीहपुर के मड़वा गांव के समीप NH 31 पर गौतम धर्मकाठा के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बलात ले जा रही जीप को सामने से धक्का मार दिया, जिससे जीप चालक और एक बलाती भविष्ण मुनि की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। ट्रक ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि जीप के अगले हिस्से को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं जीप में बैठे चार बलाती गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को बीहपुर CHC इलाज के लिए भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार बलात खगड़िया से पूर्णिया धमदाहा जा रही थी। सूचना पर झंडापुर ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार एवं बीहपुर थाने के ASI उपेंद्र मुखिया भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं झंडापुर ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खगड़िया से लेकर भागलपुर तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। सीएम का हेलीकॉप्टर खगड़िया से भागलपुर तक बाढ़ का रुख जानने के लिए गुरुवार को उड़ान भरा। एरियल सर्वे के दौरान मुख्यमंत्री दोनों जिलों के बांध, तटबंध और बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, गंगा सहित सभी नदियों में बढ़ रहे जलस्तर का भी हवाई निरीक्षण किए। हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री वापस पटना लौट गए। हम आपको बता दें इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया था। भागलपुर जिले में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि वे अब पुलिस वालों को भी गोली मारकर छिनतई की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने छिनतई का विरोध करने पर बिहार पुलिस के एक जवान को गोली चलाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, जिससे जवान गोली का छींटा लगने से मामूली रूप से घायल हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दरियापुर के लगार निवासी मूलचंद दास के पुत्र धनंजय दास, जो बिहार पुलिस का जवान है और गया पुलिस जिला बल में तैनात है, सुबह अपने घर से गया ड्यूटी पर जाने के लिए निकला था। जब वह मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र की टुट्टा पुल के समीप पहुंचा तो अपराधियों ने छिनतई के दौरान विरोध करने पर उसे गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे स्थानीय क्लिनिक में भर्ती कराया गया। पीड़ित जवान ने थाने में लूट की घटना को लेकर आवेदन दिया है, जिसके बाद पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सरकार के द्वारा अस्पताल को दी गई सारी सुविधाएं एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। 7 वर्ष के एक बच्चे ने 10 रुपये का सिक्का निगल लिया, जिसे लेकर परिजन सरकारी अस्पताल गए, जहाँ डॉक्टरों ने उस बच्चे का इलाज नहीं किया, जिसके बाद परिजन उसे लेकर निजी क्लिनिक गए, जहां 30,000 रुपये लेकर सिक्के को पेट से निकाला गया। मामला मायागंज अस्पताल का है, जहां एक बच्चे के द्वारा गलती से 10 रुपये का सिक्का निकल लिए जाने के बाद डॉक्टरों ने उसका इलाज सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि RT-PCR में उसका कोविड जांच पॉजिटिव आ गया। सबौर के मिर्जापुर निवासी अभिषेक कुमार के 7 साल के बेटे मयंक राज ने गलती से 10 रुपये का सिक्का निकल लिया था।
परिजन उसे लेकर मायागंज अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार की यूनिट में बच्चे को भर्ती करा इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान मयंक का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसमें उसका रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकला। फिर परिजन उसे लेकर ईएनटी विभाग में ले गए, जहां डॉक्टरों ने आरटीपीसीआर जांच का रिपोर्ट आने का हवाला देते हुए इलाज शुरू नहीं किया। हालांकि इस बीच बच्चे के दादा योगेंद्र ने उस डॉक्टर से इस बात की दुहाई दिया कि मैंने इस अस्पताल में एक लंबे समय तक सेवा देकर सेवानिवृत्त हुआ हूँ, लेकिन उनके इस अपील का डॉक्टरों पर कोई असर नहीं पड़ा। अंत में बात बिगड़ती देख परिजन अपने बच्चे को लेकर वहां से निजी अस्पताल चले गए, जहां लगभग 30,000 खर्च करने के बाद उसके पेट से डॉक्टरों ने सिक्का निकाल लिया। इस मामले पर मायागंज के डॉक्टर यह तर्क दे रहे हैं कि परिजन जब हमारे पास बच्चे को लेकर आए, तब परिजनों ने बच्चे का कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही थी। इस बीच ईएनटी के डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि बच्चा मेरे ही यूनिट में भर्ती हुआ था, लेकिन ना जाने क्यों और कब बच्चे को लेकर परिजन उसे लेकर कहीं और चले गए। ऐसा नहीं है कि बच्चे के पेट में सिक्का चले जाने पर उसका इलाज मायागंज में नहीं होता, लेकिन अगर परिजन बच्चे को लेकर कहीं और चले जाए तो इसमें कोई डॉक्टर क्या करे। इस बाबत पूछे जाने पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने बताया कि आश्चर्य की बात है कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि इसकी जाँच करवाई जाएगी। 10 रुपये का सिक्का अस्पताल के बाहर निकालने का तो एक ही वजह हो सकता है कि मरीज खुद हड़बड़ में हो और उनको ये लग रहा हो कि यहाँ पे काम होने में हमारी देरी होगी, तो हम जो है जल्दी से जाके कहीं प्राइवेट में करवा लें। ऐसा मरीज के मन में क्यों आया सर? हाँ, ऐसा मरीज के मन में क्यों आया, ऐसा नहीं आना चाहिए था। हम इसकी जाँच करेंगे कि किस कारण से मरीज के मन में इस तरह की भावना पैदा हुई जो यहाँ पर। डॉक्टर धर्मेंद्र का भी नाम आ रहा है, वो मिलने से मीडिया से इनकार कर रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है सर? देखिए, जहाँ तक मैं डॉक्टर धर्मेंद्र को जानता हूँ, वो बहुत ही कुशल और साफ छवि के चिकित्सक, तो उनके साथ अगर इस घटना को जोड़ा जा रहा है तो मुझे भी तत्काल विश्वास नहीं हो रहा है, और हो सकता है कि वो इस चीज से थोड़ा आहत हो, हमारा नाम जो है ना अनावश्यक रूप से इसमें आ गया, तो जो मीडिया से रूबरू होने में उनको कठिनाई महसूस हुई होगी। भागलपुर के नौगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रेसिडेंसी स्कूल के समीप हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। सभी लोगों को स्थानीय लोग और पुलिस वालों के सहयोग से नौगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सबों को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां सभी की हालत चिंताजनक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार ऑटो और बोलेरो के बीच हुई सीधी टक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार दोनों वाहनों के बीच में आ गया। घायल में सभी लोग ऑटो सवार बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार घटना में कुछ अन्य लोग भी घायल हैं, जिनका इलाज उनके परिजन किसी निजी नर्सिंग होम में करा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी विपिन कुमार ने बताया कि ऑटो बोलेरो और बाइक की टक्कर के बाद कोई भी व्यक्ति लोगों की मदद के लिए तैयार नहीं था। बहुत आरजू मिन्नत करने के बाद एक ऑटो वाला सभी घायलों को पहुंचाने के लिए तैयार हुआ, तभी पुलिस की गाड़ी भी वहां पहुंची। देर रात भागलपुर के नौगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा से 5 किलो गांजा के साथ गांजा तस्कर को धर दबोचा गया। गिरफ्तार तस्कर पकड़ा निवासी संजीव जायसवाल है, जिसके घर से गांजा बरामद किया गया। नौगछिया थाना प्रभारी भरत भूषण ने बताया कि विशेष समकालीन अभियान के तहत सूचना मिली कि पकड़ा के संजीव जायसवाल द्वारा अवैध गांजा तस्करी किया जा रहा है, जिसके बाद नौगछिया थाना के अजीत कुमार और सुदीप कुमार को मामले के उद्भेदन को लेकर भेजा गया। संजीव जायसवाल के घर पर छापेमारी के दौरान उसके छत पर लकड़ी के डब्बे के 2 सरसों तेल के डब्बे में रखे 5 किलो गांजा को बरामद किया गया, जिसके बाद संजीव जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। थाना प्रभारी ने बताया कि मोबाइल से गांजा तस्करी में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। इसके विश्लेषण से कांड में संलिप्त अन्य लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। नीट में ओबीसी आरक्षण खत्म करने के विरोध में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा विरोध प्रदर्शन और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ हाथों में तख्तियां लिए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि वर्तमान केंद्र सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, जो लोकतंत्र और जनविरोधी है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सोनम राव ने कहा कि केंद्र सरकार नीट में जो पहले से 26% आरक्षण था उसको बहाल करे, अन्यथा पूरे देश में उग्र आंदोलन किया जाएगा।
नौगछिया अनुमंडल की रंगरा प्रखंड कलबलिया नदी में बुंदेली यादव के 21 वर्षीय पुत्र गौरव कुमार की गंगा में डूबने से मौत हो गई। जब पूरी घटना स्थानीय लोगों ने देखा तो आनन फानन में गंगा किनारे पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद उसे निकाला गया, जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है गौरव गंगा किनारे भैंस चराने के लिए गया था, जिसके बाद भैंस पानी में चला गया, जिसको घुमाने के चक्कर में उसका पैर फिसल गया और गहरे पानी में जाने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से इसकी सूचना परिजनों को दी गई। परिजन रोते रोते गंगा किनारे पहुंचे और सबको देखकर दहाड़ मारकर रोने लगे। सूचना मिलने पर रंगड़ा थाना अध्यक्ष मेहताब खान अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार रोड स्टेडियम मेन गेट पर एक शराबी एक घंटे तक रोड पर धमाल मचाता रहा। वहीं मेन रोड होने के कारण आने जाने वाले ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने दबी जुबान में बताया कि यह रोज का ड्रामा है, आए दिन इस तरह का शराबी फिल्म देखने को मिलता है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री बिहार में शराबबंदी को लेकर सख्त रवैया अपनाए हुए हैं, मगर फिर भी इस तरह खुलेआम शराबी शराब पीकर रोड पर तांडव मचा रहे हैं। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने नौगछिया टाउन थाना स्थित पुलिस निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने स्टेशन डायरी की अद्यतन रिपोर्ट, हाल के दिनों में हुए गंभीर कांडों की समीक्षा और वर्षों से पेंडिंग पड़े केस को जल्द से जल्द निष्पादित किए जाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। नौगछिया एसपी ने इंस्पेक्टर मार्केंद्र सिंह को अगले 15 दिनों में सभी पेंडिंग पड़े केसों को निष्पादित किए जाने का निर्देश भी दिया। इस दौरान नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि रूटीन चेकअप के तहत पुलिस निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इस दौरान निरीक्षक को अगले 15 दिनों में सभी पेंडिंग केसों को निष्पादित किए जाने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही एसपी ने नौगछिया में लगने वाले जाम को लेकर भी कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पुलिस अधिकारियों को अतिक्रमण और बेतरतीब तरीके से गाड़ी लगाए जाने से लगने वाले जाम से आम लोगों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाए जाने को लेकर कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया। मौके पर प्रशिक्षु डीएसपी एचडीपीओ दिलीप कुमार, इंस्पेक्टर मार्केंद्र सिंह सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। निजी कार्यक्रम में शरीक होने भागलपुर पहुंचे भाजपा एमएलसी और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के युवाओं को जोड़ने के लिए अब सहकारिता विभाग बनाया है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे प्रदेशों को आगे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इसी प्रकार के विभागों को फोकस करके काम करना शामिल है, जिसके मंत्री खुद देश के सरकार में दूसरा स्थान रखने वाले अमित शाह है। भागलपुर परिसर में भाजपा नेता ने पंचायत चुनाव में लीडरशिप लेकर जनप्रतिनिधि पहुंचे इसको लेकर ट्रेनिंग कैंप चलाए जाने की भी बात कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिना लीडरशिप ट्रेनिंग के हम अपने समाज और देश का भला नहीं कर सकते। शेखपुरा जिले के मेहूस थाना क्षेत्र अंतर्गत वरैया गांव में एक महादलित परिवार की पुत्री की शादी थी। शादी समारोह में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विधि विधान चल रहा था कि अचानक दबंग अरविंद कानू वहां पहुंचकर शादी होने वाली लड़की से छेड़खानी करने लगा। परिजनों ने इसका विरोध किया, तब दबंग ने शादी समारोह में शामिल महादलित परिवार के भरत मांझी और कनोज मांझी को पिस्टल के बट से पीट दिया, जिसमें भरत मांझी का सर फूट गया और कनोज मांझी को पूरे शरीर में पीट पीट कर निशान बना दिया गया। घायल महादलित परिवार को स्थानीय लोगों के सहयोग से शेखपुरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने इलाज के बाद उसे घर जाने की सलाह दी। हालांकि घायल के परिजन तुलसी मांझी ने घटना के संबंध में बताया कि उक्त बदमाश मारपीट की घटना को अंजाम देने के बाद हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गया। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मेहूस थाने में लिखित आवेदन देकर आरोपी अरविंद कानू के खिलाफ मामला दर्ज कराए जाने की बात कही गई है। वहीं पुलिस पूरे घटनाक्रम के छानबीन में जुट गई है। दोसर के घर में